हेलो स्टूडेंट्स, तो आपको लेके चलते हैं फॉरेस्ट में। तो आप बोलोगे मैम फॉरेस्ट में हम क्या करेंगे? बेटा यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे फॉरेस्ट की हेल्प से। तो हम देखने वाले हैं हैबिटेट और निश को, है ना। हैबिटेट और निश में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। हैबिटेट का मतलब होता है जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है, और निश का मतलब होता है जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म की पर्टिकुलर एक्टिविटी होती है, मतलब बेसिकली वो अपना फंक्शनल रोल प्ले करता है। ठीक है जी। अगर यहाँ पर हम देखने वाले हैं शेर को और डियर को, शेर और डियर हम देख रहे हैं, जो हमने एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये दोनों ही जो इनका हैबिटेट है वो कॉमन है, दैट इज फॉरेस्ट। लेकिन अगर मैं बात करूँ इनके फंक्शनल रोल की, तो इनका फंक्शनल रोल अलग है। सपोज हम फीडिंग बिहेवियर ले लेते हैं, तो जो शेर का फीडिंग बिहेवियर है वो क्या है, वो फ्लैश वगैरह पे फीड करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ डियर की, तो डियर किस पे फीड करता है? घास, फल, मूंगफली वगैरह, इन सब पे फीड करता है। तो आप देख सकते हो इनका फीडिंग बिहेवियर कितना ज्यादा डिफरेंट है। तो फूड चेन में भी इनका ट्रॉफिक लेवल अलग होगा। ठीक है जी। तो यहाँ से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हैबिटेट और निश। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।